तो छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला पदाधिकारियों की बैठक बालोद में हुआ, जिसमें विभिन्न विषयों और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष तोमन साहू ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में चल रहे कार्यक्रमों पर अग्रणी भूमिका निभानी है और यहाँ के जन मुद्दों को उठाते हुए एक आंदोलन सत्ताधारी दल के खिलाफ खड़ा करना है, ताकि भाजपा का प्रदेश में विपक्षी भूमिका मजबूत हो, केंद्र सरकार की जन हितैषी कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प गौ आधारित प्रकृति खेती को जन आंदोलन का रूप देने के लिए कृत संकल्प हो जाना चाहिए। पहले की समय में बीजेपी सरकार में 40 और 60 का रेशियो था, प्राइवेट डीलरों को 60% देते थे और सरकार को 60%, लेकिन भूपेंद्र बघेल अपनी तानाशाही और मनमानी में 70% प्राइवेट डीलर को देते और 30% सरकार को, जिसके कारण यहाँ पे खाकी शार्टेज और काला बाजार। किसान मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज संपूर्ण प्रदेश भर में सभी जिलों में कार्य समिति आयोजित है। इसी तमतम में बालोद जिले में भी कार्य समिति अभी चल रही है और अभी जो गहरी सरकार है, भूपेंद्र बघेल की जो कांग्रेस की सरकार है, किसान मोर्चा अभी आगामी कार्य योजना बनाकर और आगामी प्रदेश में एक निश्चित कार्य योजना बना